guys, welcome back to yet another linear fix kind of a video series. अब तो हाँ video series ही बन चुकी है. अभी आप लोगों ने last video में देखा था कि मैंने tail lights hold रखी थी, tail lights को ठीक करा. problem मुझे लगा था कि brake light में है लेकिन निकली reverse light में. ये देख रहा reverse light के लिए भी यहाँ पर error message आ जाता है, which is fantastic. And मैंने वो notice नहीं किया कि वो back light hold रहा है ना कि brake light. So nonetheless, अभी मैं हूँ linear में ही, as you are already seeing me. problems मुझे तीन हो रहे हैं अभी. तीन प्रॉब्लम्स आ, जिनमें से दो प्रॉब्लम आधे लोग को पता भी नहीं चलेंगे. मेरी कुछ ऐसी आदत है कि मैं नीचे घुस घुस के देखता रहता हूँ. सो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे हिसाब से क्या है, क्या 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 वैसे तो मेरे लिए तीनों ही बड़ी हैं. तो सबसे पहली बार प्रॉब्लम बताता हूँ, शायद मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताई थी, ब्रेक लाइट वाले वीडियो में, कि इसका जो ब्रेक स्विच है इट इज प्रेस्ड ऑलरेडी. प्रेस्ड मतलब ब्रेक दबाने की जरूरत नहीं है पीछे की लाइट्स ऑन करने के लिए, वो ऑन ही है. सो उसका स्विच या तो ठीक होगा या नया डल जाएगा. वो कोई खास चीज़ नहीं, 300-400 रुपये का ही है वो. दूसरी आइटम ये कि आगे जो अपना स्टेयरिंग का जो टायर का एक्सल है या बूट है ना, वो वहाँ पे इशू है. वहाँ पे रबर उसकी जो है वो कटी हुई है. तो ग्रीस मैंने ऑलरेडी मंगवा ली थी, तो ग्रीस अब मेरे पास आ चुकी है, तो वो डलवा दूंगा मैं किसी दिन, हो सकता है आज ही. एंड कौन सी एक और चीज़ है जो कि मोस्टली लोग नज़रअंदाजी करेंगे, अब मेरे कान थोड़े ज़्यादा सेंसिटिव है, तो मैं क्या कर सकता हूँ. तो क्या है, कभी कभी चलाओ ना तो आगे से कुछ आवाज़ आती है, ढूंढ डॉ डी डी. एंड थोड़ा सा मुझे पहले लग रहा था कि वो एयर फिल्टर की जो पाइप है उसमें इशू होगा, बट वो मैंने ठीक कर दी थी. लेकिन एयर फिल्टर की पाइप में एक्चुअली क्लैम्प जो लगा हुआ था, शायद आपको शॉर्ट वीडियो दिया हुआ मैंने, मुझे याद नहीं है उसके बारे में. तो उस पर्टिकुलर क्लैम्प का क्लैम्प खराब हो गया था, तो क्लैम्प मैंने नया डाल दिया है उसके अंदर, तो वो दैट इज फिक्स्ड. लेकिन उसके बाद भी डंग डांग कुछ हल्की हल्की आवाज़ें आती हैं, बट चलने में गाड़ी में कोई इशू नहीं है, भाग रही है, फर्स्ट क्लास चल रही है, नॉट अ प्रॉब्लम. सो अब मैं आ चुका हूँ यहाँ पर, एंड आज पूछते हैं पहले तो ब्रेक लाइट एंड एक्सल बूट एंड ये जो आवाज़ें आ रही हैं. हो सकता है इंजन माउंट की भी हो या शॉकर की हो या फिर जो एक्सल बूट है उसी की हो, आई डोंट नो. तो भैया को बुलाते हैं, बात करते हैं, लेट्स सी कि आज क्या दिन बनता है. एंड वीडियो का टाइटल उसी हिसाब से बनेगा, या तो ब्रेक स्विच या फिर एक्सल बूट या फिर कुछ और. सो ये है जगह, ऑलरेडी हियर. ये टुक, ये इंजन माउंट की लग रही है मुझे तो, बाकी आप ज़्यादा एक्सपर्ट हो, क्योंकि ऐसे इंजन को हिलाते हैं तब ज़्यादा आती है. वैसे कभी भी आए स्टीयरिंग घुमाने पे भी एक बार फील की थी मैंने. बिल्कुल, आप अपने एंड पे जो भी बेस्ट पॉसिबल है वो देख लो, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही आवाज़ है किस चीज़ की. मोनो भैया ने काफ़ी सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाए हैं, तो अभी वो टायर तो खोलेंगे ही एक्सल बूट के लिए, सो उसमें पता चलेगा कि ये प्रॉब्लम है तो है किसके लिए. देखते हैं क्या होता है इन द फ्यूचर, इन वेरी वेरी नियर फ्यूचर. अभी ऊपर चढ़ा के खोलते हैं राइट साइड का टायर एंड फिर निकालना सामान शुरू करते हैं. आई होप सो. एक्सल वो कह रहे हैं कि निकल जाए तो आसानी से निकल जाए, नहीं निकले तो जान निकाल देता है, और पता नहीं वहाँ पे पंगा क्या है. आराम से निकल गया तो उसके बाद वो रबड़ वबड़ का जो भी काम हो जाएगा, देन वो ही प्रॉब्लम सॉर्ट. एंड ब्रेक का काम हो चुका है, एंड अब ये तीसरी वाली चीज़ देखते हैं. Alright, so start from the usual stuff. सबसे पहला काम इसमें टायर उतारने का ही करना पड़ेगा, क्योंकि जो चीज खराब है वो है एक्सल बूट गाइस, ये वाला. एंड आप इसकी हालत देख रहे हो, सारी की सारी ग्रीस इसकी बाहर निकल चुकी है. सो उसे निकालने के लिए ऑब्वियसली बात है, ये पूरा जो जॉइंट है डिस्क ब्रेक के साथ इसको भी खोलना पड़ेगा. एंड इट इज अ टास्क, एक्चुअली इट इज अ टास्क. एक स्क्रू ड्राइवर फंसाया हुआ था डिस्क को रोकने के लिए, तो वो भी टूट गया. मतलब इतना ज्यादा फोर्स उसमें चाहिए होता है. आप साइज देख रहे हो ना इस पर्टिकुलर बार का, मतलब इट्स काइंड ऑफ अ ब्रेक बार. तो ये यहाँ पे खुल गया, एंड जो भी डस्ट वस्ट है सो मैकेनिक ने अपने हिसाब से इसको क्लियर आउट कर दिया एंड चेक कर लिया एक बारी कि वापस से नट फिट करना होगा तो वो आराम से फिट हो रहा है या नहीं हो रहा है. सो दैट्स प्रीटी गुड एक्चुअली, दैट्स आई रियली लाइक इट. एंड अब आगे देखें तो ये पीछे की लिंक रॉड भी हटानी है, एंड ये हटाने के बाद जो नीचे का हमारा आर्म का साथ जॉइंट है वो भी हटेगा, क्योंकि ये डिस्क साइड होएगी तभी वो पर्टिकुलर पार्ट बाहर आ सकता है. सो ये अब साइड हो चुकी है डिस्क, आप नोटिस करो नीचे से निकाल दिया ऐसे. तो अब ये देखो जो अंदर तक ये पीस जा रहा ना, ये पूरा पीस बाहर निकालना है. सो इसको निकालना एक अपने आप में ही काफ़ी टास्क था. सो काफ़ी ट्राई करी, काफ़ी देर लगी इस पर्टिकुलर पीस को कुछ इस तरह से लूज़ होने में कि ये आराम से विदा जो रजमाइश के ही बाहर आ गया. सो ये आपके सामने आ गया जी एक्सल बूट, एंड यहाँ पे इसका जो सेंटर पार्ट है ये फट गया है इसका जो रबर. एंड अभी आपको मैं इसका क्लोजअप दिखाता हूँ, एंड फिर जाएंगे गाइस यहाँ पे. एक चीज़ नहीं होगी जो ये हमें एक्सल वाले के पास लेके भी जाना है, सो वो अभी आपको दिखाता हूँ. सो ये देखो ये अपना यहाँ से ये पर्टिकुलर पार्ट, एंड इसका हाल देखो ये सेंटर वाले का. सो ये बर्बाद हो चुका.
ये देखो यहां से इसको निकाला है इंजन के अंदर से, एंड हजारों क्या करोड़ों चीजें होती हैं। सो अब ये निकले गाइस नाहरपुर कार एक्सेसरी पार्ट्स मार्केट में। सो वहां पे ही गाइस इसका रिपेयर वर्क होने वाला है। सो ये थी वो पर्टिकुलर शॉप, मुझे इसका सिर्फ जगह लोकेशन तो याद है लेकिन नाम और वो कुछ नहीं पता। एंड बंदे ने काम वाम ठीक किया, ये मैंने फिएट की ओरिजिनल ग्रीस ले ली थी। ये इसका पार्ट नंबर आप देखना चाहो तो देख सकते हो, एंड ये कुछ और पार्ट्स हैं अपने। एंड फिर मैंने भाई साहब बोल के अंदर गया एंड देखा फिर काम कैसे हो रहा है, जो थोड़ा बहुत देख पाया मैं। सो अच्छी तरह से अंदर के बेयरिंग जो है वो उसे क्लीन कर दिया है, एंड ये दूसरी साइड का भी पार्ट इसी को इसी पर चढ़ाना है, एंड ये नया बूट इस पर लग चुका है। दैट इज़ अ प्रीटी नाइस थिंग। एंड अब गाइस मेन बारी है ग्रीस भरने की इसके अंदर, एंड ये तरीका से ग्रीस भरी गई है क्योंकि फिएट ने इतनी महंगी ग्रीस दी है लेकिन उसका कोई बॉक्स नहीं था। सो इसके अंदर दूसरी साइड पर इसको भर दिया है, एंड यहाँ पे एक लिमिट में ही ग्रीस भरनी है। ओवर ग्रीस भरने का भी कोई फायदा नहीं है और कम का तो नुकसान ही होता। सो यहाँ पे इसको लॉक कर दिया है, अब फिटिंग हो रही है, मतलब जो रबर बूट है उसको चढ़ा रहे हैं। एंड ये बिल्कुल ओरिजिनल काम हुआ है यहाँ पर, क्योंकि आप बूट देखो जो उसके सेंटर पार्ट है बिल्कुल उसी शेप में वो जा रहा है। एंड देखो चलो एक्सपर्ट नहीं करना ये ठीक है, यहाँ पे पैसे तो लगे लेकिन काम बढ़िया हो गया। यहाँ पे क्लैंप भी जो लगा है वो भी ओरिजिनल जैसा ही लगा है। सो ये आ गया जी अपना पार्ट, एंड मेरे ख्याल से याद नहीं मुझे 700 odd rupees यहाँ पे रिपेयर के दिए थे मैंने इसके। नाउ टाइम टू गो बैक जहाँ पे काम हो रहा है, एंड यहाँ पे काफ़ी कॉप्स की मूवमेंट हो रही थी मधुबन चौक पे। सो ये पहुंच गए। अब जो काम है बस रिवर्स ऑर्डर के अंदर इसको फिट करना है। बेसिकली फिट करने में इतना टाइम नहीं लगेगा जितना टाइम इसको खोलने में लग गया था, क्योंकि उस टाइम पे थोड़ा ध्यान से कर रहे थे, अब तो पता ही है कि करना क्या है। सो बस इसकी ये हो रही है यहाँ पे फिटिंग, एंड ये लग गया जी गाइस अपना बूट, एंड बिल्कुल हो गया है यहाँ पे काम ब्रांड डैम न्यू। सही है ना एकदम। ये अपना टायर अब वापस से फिटिंग। सो अपना बस ये है कि यहाँ पे मैं आता हूँ तो टेंशन फ्री काम हो जाता है यार। Hi guys, so उस दिन मैं 3 काम के लिए गया था वहां पे गैराज पे, एंड अभी एक्चुअली कुछ दिन गुजर चुके हैं, एंड मैं टेस्ट आउट कर रहा था कार को आप लोगों को कंक्लूजन देने से पहले, स्पेशली जो एक्सेल का बूट ठीक हुआ है। तो एक्सेल के बूट आप लोगों को मैंने जितना मैक्सिमम पॉसिबल था मेरे लिए वो मैंने आपको दिखाया, एंड वो इतना मस्त हो गया कि अब आगे से कोई आवाज नहीं आ रही। मतलब एक ही बारे में दोनों काम खत्म, मुझे लग रहा था कि वो इंजन माउंट्स वगैरह की आवाज ना हो, बट ऐसा कुछ नहीं है, उसी से रिलेटेड वो आवाज थी, एंड अब वो पर्टिकुलर आवाज नहीं आ रही है। एंड एक चीज उससे पहले आप लोगों को दिखाई थी मैंने कि ब्रेक स्विच का इशू था, ब्रेक स्विच भी ठीक हो चुका है क्योंकि क्रूज कंट्रोल इज ऑल्सो वर्किंग नाउ, एंड पीछे की जो ब्रेक लाइट्स का इशू था वो भी सॉर्ट आउट हो चुका है। सो इसका मतलब मेरी तीनों की तीनों प्रॉब्लम्स उस पर्टिकुलर दिन पे सॉर्ट आउट हो चुकी हैं, एंड अब बात ये है कि आगे क्या है। क्रूज कंट्रोल के लिए आज मैं आपको एक सेपरेट वीडियो दूंगा क्योंकि इसका क्रूज कंट्रोल नॉर्मल गाड़ियों से बेटर है, क्योंकि मेरे ख्याल से वो 30 की स्पीड से भी कम स्पीड में चल रहा था, अभी मैंने जस्ट चेकआउट किया था। एग्जैक्ट मैं अभी आपको दिखाऊंगा। अभी आप मेरी हालत देख रहे हो, मैं काफी उड़ा हुआ सा लग रहा हूँ आपको क्योंकि अभी काफी अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, एंड किसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से मुझे सुबह सुबह उठा दिया गया है आज। सो मैंने सोचा कोई नहीं अलीनिया को लेकर चलते हैं, थोड़ा पेट्रोल डलवाया इसमें, एंड अभी बस यू नो मौज ले रहा हूँ मैं इसमें, काइंड ऑफ मौज ले रहा हूँ, छोटा सा काम था वो हो चुका है ऑलरेडी। सो अब मैं निकलूंगा घर के लिए, एंड जॉय राइड काफी अच्छी हो रही है। सो ऑन दैट बॉम्बशेल गाइस, लेट्स एंड दिस पर्टिकुलर व्लॉग, एंड कोई भी आपकी क्वेश्चन क्वेरी या कुछ भी आप बताना चाहोगे, कोई फीडबैक रहेगा लीनिया से रिलेटेड मेरे से रिलेटेड, तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड अब आप सबसे मैं मिलूंगा कोई अगले वीडियो में, हो सकता है इसका क्रूज कंट्रोल के वीडियो में, अभी उड़ाना होता तो मैं अभी ही आपके लिए वो वीडियो बना देता, अदरवाइज थोड़ी लुक अच्छी नहीं आ रही, मैं सोच रहा हूं हेयरकट फिर से करवा लूं, क्या कहते हो, बड़े गाना बाल वैसे तो अभी नहाऊंगा धोऊंगा तो एकदम सेट हो जाएंगे, लेकिन स्टिल मुझे ना छोटे बालों की आदत ही पड़ गई है, तो छोटे बाल अच्छे लगने लगे हैं पता नहीं क्यों, आप लोग बताना इन द कमेंट सेक्शन कि छोटे बाल बड़े बाल राइट, एंड लीनिया में और क्या देखना चाहते हो, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो टच वुड ऑलमोस्ट सारी की सारी सॉर्ट हो चुकी हैं, एंड एकदम गाड़ी मक्खन चल रही है, अभी मजा आ रहा है सब चला के। बस यार पुंटो में एक बात थी कि इसकी माइलेज अल्टीमेट थी, इसके अंदर पावर और रिफाइनमेंट अल्टीमेट है, यही डिफरेंस है दोनों में। तो चलो गाइस मिलते हैं इन द नेक्स्ट व्लॉग, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टुडे, एंड अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज डू कंसीडर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड मिलते हैं गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।